आप अपने घर में एक बार जरूर बनाएं। एक बार बनाएंगे तो आप बार बार कहेंगे कि ये रेसिपी हम बार बार अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में अधिकतर आप सुबह या शाम को कभी भी बना सकते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। और चलो देखते हैं बेसन के टोस्ट कैसे बनाते हैं। तो बेसन टोस्ट बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 टमाटर, 2 शिमला मिर्च, 7 से 8 बीन्स और 2 गाजर। तो इन सभी को हम बारीक काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम बारीक बीन्स काट लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना है, बहुत ही महीन से काटने हैं। जिस तरीके से हम मिर्च वगैरह काटते हैं उसी तरीके से काटने हैं। फिर हम काट लेंगे शिमला मिर्च इस तरीके से। महीन महीन काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा या बड़ा नहीं काटना है। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है बारीक। तो मैंने ले लिया है एक बाउल। बाउल में हम डालेंगे 1 कटोरी बेसन। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन ले लिया है। इसमें हम सारी सब्जी डाल लेंगे जो भी हमने चॉप की हैं। बीन्स है, शिमला मिर्च है, गाजर है, इन सभी को इससे तरीके से सारी सब्जियां इसमें डाल लेंगे। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो हरी मिर्च भी बारीक काट सकते हैं, और अगर चिली फ्लेक्स है तो आप जैसा चटपटा खाएं उस हिसाब से डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर, और नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। कम ज़्यादा जिस हिसाब से आप खाएं उस हिसाब से। इसको थोड़ा सा चलाने के बाद फिर हम थोड़े थोड़े पानी में इसको घोलेंगे। तो अभी धनिया तो डालना भूल ही गए हैं, तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटा धनिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको घोलेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं घोलना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको पूरी तरह से पतला कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से धीरे धीरे बैटर पतला होने लगा है। अगर आपके पास हरी मिर्च या चिली फ्लेक्स ना हो तो आप पीसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। चटपटा जिस हिसाब से आप खाना चाहें, कम ज़्यादा जो भी हो। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको और पतला करेंगे बैटर को। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है कि ब्रेड में चिपके ना। ऐसे करके इसको अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए पूरी तरह से पतला हो चुका है। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। यहाँ मैंने गैस को ऑन किया और इस पे मैंने तवा रखा है गरम होने के लिए। थोड़ा तवा गरम हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। तो अब हम तवा पर थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसको इस तरह से पूरे में फैलाएंगे, लगाएंगे। तो मैंने ले ली है यहाँ पर एक ब्रेड। ब्रेड को हम इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा देर तक उसमें डाल के छोड़ना नहीं है, इसको तुरंत ही पलटना है इस तरीके से, और इसको निकालना है, ऐसे रखना है। इसी तरह हम दूसरी भी रख। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड ली है, इनको सिकने के लिए रखा है। ब्रेड धीमी धीमी आँच में सिकेगी और थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धीमी धीमी आँच में इसको सिकने देते हैं
बहुत ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं कि ब्रेड सिक नहीं रही है, बेसन लगा है उसमें चारों तरफ, तो बेसन में टाइम तो लगता ही है, तो इस वजह से धीरे धीरे इसको सिकने देते हैं। तो अब हम इसको पलटेंगे इस तरीके से, ये देखिए पलट गया है बहुत आराम से। और इसको धीमी धीमी आंच में ही सेकेंगे और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है। अगर आपका कुछ भी बनाने का मन नहीं है, चाय के साथ कुछ खाने का मन है, तो आप इसको बना सकते हैं इजीली। सब्जियां वगैरह नॉर्मली सभी के घर में होती हैं, तो आप इसको बना सकते हैं। इसको भी पलट लेंगे, दोनों को सिकने देते हैं धीमी धीमी आंच में। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, आप बच्चों को टिफ़िन में भी रख सकते हैं। मिर्च वगैरह थोड़ी कम मात्रा में डालें तो आप बच्चों को आसानी से टिफ़िन वगैरह में रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसन टोस्ट हमारे सिक चुके हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, जल्दी से नहीं सीख पाते हैं। हाँ, लेकिन 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ सीखने में टाइम लगता है, सैंडविच में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, इसमें 5 मिनट, 5 से 7 मिनट में इजीली सीख जाते हैं। ये नहीं कि 10 मिनट वगैरह टाइम लगे, ऐसा कुछ नहीं है, सीख जाते हैं। इसको भी पलट के देख लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा सीखा है। इसको भी पलटेंगे, देखिए बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको कर लेते हैं एक प्लेट में। तो मेरे यहाँ पर बेसन के टोस्ट बनके तैयार हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ सब्जी वगैरह काट के बारीक और इनको बेसन के साथ आसानी से बना सकते। तो मैंने यहाँ पर हरी चटनी ली है धनिया की, और यहाँ मैंने टोमेटो केचप लिया है, तो इनसे खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास केचप ना हो टोमेटो का, तो आप हरी चटनी भी बना सकते हैं और टमाटर की चटनी भी बना सकते हैं। चाय वगैरह के साथ खाने का मन हो तो आप इसको इजीली बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन वगैरह भी दे सकते हैं, आसानी से बन जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर बनाएं। बहुत ही ईजिली बनती है, बहुत ही जल्दी बनती है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।